जिले में टीबी की बीमारी के खिलाफ जारी जंग लोगों में जागरूकता की कमी के चलते कमजोर साबित हो रही है। साल 2021 और इस साल 8 दिसंबर तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो दोनों साल में मिले मरीजों की मामूली कमी हुई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा टीबी के रोकथाम को लेकर कई योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन जिले में पिछले साल की तुलना में सिर्फ 86 मरीजों की कमी आई है। इसका बड़ा कारण है कि जिले में रिमोट एरिया यानी बैहर, परसवाड़ा, लांजी, खैलांजी, बिरसा जैसे इलाकों में ग्रामीणों में टीबी को लेकर जागरूकता की कमी और इस बीमारी को लेकर गलतफहमी। आज भी लोग 2 सप्ताह से अधिक समय की खांसी को सामान्य मानकर इलाज कराते हैं। टीबी की पहचान होने के बाद भी चिकित्सक के पास जाने के बजाय अपने स्तर पर इलाज कराते हैं। छुआछूत की बीमारी समझकर लोग इस बीमारी पर खुलकर बातचीत नहीं करते। इसके अलावा किसी व्यक्ति को खांसी हो जाने पर उसे मौसमी बीमारी समझकर गांव के झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। हालांकि विभागीय तौर पर जिले में टीबी के ग्राफ को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए इन दिनों जिले के सभी ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध मरीजों की जाँच कर उनका पंजीयन कर इलाज करा रहे हैं। विभागीय तौर पर मिल रही जानकारी के अनुसार हाल ही में बैहर क्षेत्र में टीबी के 2 मरीज की मौत होने की पुष्टि विभाग ने की। इसके पीछे वजह है कि मरीज का समय पर फॉलोअप न हो पाना। बताया गया है कि दोनों मरीजों का इलाज लांजी के अस्पताल में हो रहा था। टीबी के बजाय लंबे समय तक सामान्य बीमारी समझकर इलाज कराने से टीबी का संक्रमण बढ़ता गया और 2 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है जागरूकता की कमी है और आज भी टीबी को जो छुआछूत की बीमारी के रूप में जाना जाता है और लोग जो है बताते नहीं है। सबसे ज्यादा चुनौती आपको किस क्षेत्र में सामना करना पड़ रहा है चुनौती का? सर, ये चुनौती जो है आपने कहा कि इस टीबी को अभी भी छुआछूत की बीमारी माना जाता है, गाँव में इसको छुपाया जाता है, सामान्यतः सर्दी खांसी मानते हैं इसको। इसकी जो चुनौती हमें हमारे रिमोट एरिया होते हैं जैसे बैया, परसवाड़ा, लांजी और बिरसा क्षेत्रों में ज़्यादातर ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे रिमोट एरिया है जिसमें जनमानस का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का है वहाँ तक पहुँच पाना असंभव है। इसलिए हम वहाँ पे हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पेरीफेरी में हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही है वहाँ उस जगह जाके कैंप का ऑर्गेनाइज करें। और वॉल पेंटिंग होता है, मीडिया प्रसार होता है, हम मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू होता है, हम हर ग्राम पंचायत, इवन हम ये काम कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत में जाके जिस दिन ग्राम सभा होती है उस दिन हम अपने टीबी के बारे में उसको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं।